मैं राजेन विद्यार्थी, रोटरियन सी राजेन विद्यार्थी, हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शांतिम विद्यार्थी, उनकी स्मृति में ट्रस्ट है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शांतिम विद्यार्थी स्मारक ट्रस्ट, और रोटरी क्लब बरेली का मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ, और रोटरी क्लब बरेली हेरिटेज जिसकी हमारी श्रीमती जी उसकी पूर्व अध्यक्षा हैं, मानव सेवा क्लब जिसका मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ, और काय चेतनामन जिसका मैं संरक्षक हूँ। इन सभी संस्थाओं की तरफ से ये सहयोग से ये आज एक खिचड़ी वितरण बस वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल करते हैं, विगत कई वर्षों से इसको करते चले आ रहे हैं। इस अवसर पर हम लोग गर्म वस्त्र, पुराने वस्त्र, कंबल और खिचड़ी का वितरण करते हैं, और ये हम लोगों का लगातार ये प्रयास चलता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हम लोगों को कुछ अच्छा कर सके, उनके लिए कुछ बांट सके, वितरण कर सके, तो उसी कड़ी में ही प्रयास हम लोगों का है। मकर संक्रांति की अब सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। यहाँ हमारे यहाँ ये हर साल जो ये लगता है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी भोज और वस्त्र वितरण का कार्यक्रम होता है। इसमें हम लोग रोटरी क्लब हेरिटेज की तरफ से भी प्रोग्राम करते हैं और सभी इसमें सहयोग करते हैं। यहाँ पे पिछले 15 वर्षों से खिचड़ी भोज और वस्त्र वितरण का कार्यक्रम चल रहा है राजेन विद्यार्थी जी के आवास के बाहर, और कई संस्थाएं मिलके ये कार्यक्रम करती हैं। आज रोटरी क्लब, मानव सेवा क्लब, काय चेतना मंच और स्वतंत्रता सेनानी शांति शरण विद्यार्थी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं संजीव कुमार सक्सेना, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय काय महासभा उत्तर प्रदेश। आज सबसे पहले मैं मकर संक्रांति की सबको बरेली क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और राजेन विद्यार्थी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात की हैं कि उन्होंने इतना सफल प्रोग्राम खिचड़ी भोज का यहां रखा। मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। मैं निर्भय सक्सेना, प्रदेश उपाध्यक्ष उपजा का हूं। आज यहां पर मानव सेवा क्लब, रोटरी हेरिटेज, रोटरी क्लब के और राजेन विद्यार्थी के निवास पर कई साल से ये कार्यक्रम होता चला रहा है, जिसमें काय चेतना मंच का भी सहयोग रहता है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग खिचड़ी का वितरण हर साल करते हैं, कंबल का वितरण करते हैं, और बाकी लोगों को, गरीब लोगों को जो भी राहत पहुंचाने का काम होता है वो हम लोग करते हैं। ये कार्यक्रम पिछले 15 वर्षों से चला रहे हैं। रिचा टंडन, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये प्रोजेक्ट हम लोग हर साल राजेन विद्यार्थी के साथ मिलकर पिछले 15 वर्ष से हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हजार लोगों को से भी ज़्यादा लोगों को खिचड़ी खिलाई जाती है, कंबल का वितरण करते हैं, मफलर का वितरण कर रहे हैं, सभी ऊनी सामानों का, ऊनी वस्त्रों का, मोजों का, टोपों का वितरण करते हैं। और हमारा क्लब, मानव सेवा क्लब और इनका रोटरी क्लब ऑफ मेंस बरेली का, सब क्लब मिलकर ये प्रोजेक्ट करते हैं। मैं हार्दिक बधाई देती हूँ राजेन विद्यार्थी भैया को कि, और धन्यवाद देती हूँ कि ये हर साल इतना ग्रैंड स्केल में ये प्रोजेक्ट करते हैं और आगे भी इस तरीके के प्रोजेक्ट करते हैं।